चलिए जी शुरू करें फिर। ये एक टर्मिनल मैं खोल लिया, ठीक है, तो मैं सर्वर लेवल पर तो तक आपको नहीं बता रहा हूं, आपको जरूरत पड़ेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है क्लियर? बोलिए, काला कलर का दिख रहा है ये विंडो, यही मजा नहीं आ रहा है क्यों? ये तो वैसे ही दिखेगा जी, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं बड़ा, ठीक, तो ठीक ठाक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो डी आई आर कमांड क्या मैं टाइप कर दिया, डी आई आर कमांड लिखूंगा मैं, ठीक है, और ये फिर आ जाएगा पूरा लिस्ट, ठीक है। तो विंडोज में भी डी आई आर था आप जानते हैं, इसमें भी हो गया, ठीक है। यहां पे एलएस कमांड से लिस्ट दिखाई देता है, ये देखिए लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैट एन आई एन टैब मारूंगा मैं, ये देखिए पूरा लिखा गया, एंटर मारूंगा तो ये देखिए रीड कर लिया पूरा लाइन, ठीक है। इसको मैं खोलता हूं, लाइनक्स का कमांड है कुछ, इसमें लिखा था मैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कमांड है, इसी कमांड को हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आपको जरूरत है पूरा टेक्स्ट फाइल का? जरूरत है नहीं है? अच्छा जरूरत है, चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर पेन ड्राइव आप लेके आना मेरे पास, या मेमोरी कार्ड लेके आना, मैं इसमें इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो सी एल ई ए आर करके एंटर मारूंगा, शायद स्पेलिंग गलत कर दिया मैं, सी एल ई ए आर लिख के एंटर मारूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। कैल लिखा हुआ यहाँ पे, सी ए एल लिख के मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा, कैलेंडर खुल के आ गया, ठीक है। वही सी ए एल लिखूंगा, ठीक है, और 2022 करके एंटर मार दिया, और नौ स्पेस नहीं दिया मन ने, मैं स्पेस दे देता हूं, एंटर मारता हूं तो ये देखिए आ गया। मैं विंडो को बड़ा कर दूं क्या ऐसे, ये देखिए हो गया सी एल ई ए आर, क्लियर कमांड से स्क्रीन क्लियर होगा, ठीक है। अप एरो दबाऊंगा तो पिछला कमांड सामने आएगा, ठीक है, ये देखिए आ रहा है, अप एरो मैं दबा रहा हूं, ठीक है। तो सी ए एल से कैलेंडर खुलेगा, सी ए एल और स्पेस दे करके यहाँ पे ईयर लिखूंगा, 2050 लिख दिया, अरे 25 हो गया ये, 50 लिख दिया, 50 का कैलेंडर खुल के सामने आ गया। आप चाहते हैं कि जो भी आउटपुट है वो सेव हो जाए आपके कंप्यूटर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कैल लिखा है 2050, स्पेस देंगे कैलेंडर डॉट टी एक्स टी लिखा मैं, और यहां पे कर दिया ग्रेटर देन, ये लिख के ग्रेटर देन ही है ना, ये एंटर मारूंगा, बैड डिस्क्रिप्टर पता नहीं क्या बोल दिया, ये स्पेस ये लीजिए एंटर, एक बन गया ये फाइल कैलेंडर। कहां बना होगा, मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर हूं ना, तो डेस्कटॉप में ये फाइल बन के रेडी हो गया होगा, ठीक। कहां गया ये देखिए, कैलेंडर है ओपन मैं किया, ये देखिए बन के रेडी हो गया है ना। अब इस फाइल को मेरे को कमांड के थ्रू ही रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा जी, बड़ा आसान काम है, कैट लिखूंगा और फिर सी ए एल लिख के मारूंगा टैब, कैलेंडर डॉट टी एक्स टी अपने आप कंप्लीट हो गया, मारूंगा एंटर, ये देखिए फाइल रीड हो गया ना, सी एल ई ए आर लिख के मैं एंटर मारूंगा तो क्लियर हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। ऑल्ट टैब मारूंगा तो मेरे को टेक्स्ट फाइल आ जाएगा इस तरह से। तो आपने देख लिया जी, ये दो कमांड्स जान गए आपने, क्लियर कमांड भी आप जान गए, डेट है, डेट है, टाइम है कमांड, ये डेट और टाइम का कमांड क्या करता है जी, एंटर मार दिया दिख गया, ठीक है, टी आई एम ई करके एंटर मार दिया तो ये दिख गया, ठीक है। ये मेरे को मजा नहीं आया, डेट टाइम बकवास काम है। आर एम, आर
आरएम कमांड क्या करता है जी, डिलीट फाइल, फाइल को डिलीट करता है आरएम कमांड। ठीक, जैसे मैं विंडोज राइट एरो दबा के इधर मोड़ लिया, ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि ये टेस्ट वन डॉट जावा नाम से फाइल जो आपको दिख रहा है ना, इसको मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है। टेस्ट वन डॉट जावा नाम का जो फाइल है उसको मेरे को डिलीट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आर एम कमांड लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं इतना बड़ा कर देता हूं, ठीक है, आर एम कमांड लिखूंगा, स्पेस दबाऊंगा और फिर क्या करूंगा, टी एस टी वन डॉट जावा, ठीक, एंटर किया तो फाइलिया डिलीट हो गया। ठीक, डिलीट हो गया ना ये फाइल, कितने काम का चीज है। आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह खींचोगे मोबाइल से तो भी आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा होगा आप कॉपी पेन निकाल के लिख लोगे कॉपी पेन से, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, चलिए इसका टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं, आर एम डॉट किया तो डिलीट हो गया, ठीक है। अगला कमांड क्या है जी, मल्टीपल फाइल डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल फाइल डिलीट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। मल्टीपल फाइल डिलीट करने से पहले हम मल्टीपल फाइल बना लेते तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो फाइल बनता कैसे है जी, तो कैट कमांड से बन जाएगा या टच कमांड से बनेगा। एक टच कमांड है, इसको मैं कट करता हूं और इसको लाता हूं मैं ऊपर, ठीक है, और फिर इधर कैट कमांड है, ठीक है, इन दोनों इसको भी मैं लाता हूं ऊपर, ठीक है, आरएम कमांड के ऊपर मैं इसको लाके रख देता हूं, ठीक है, सेव कर दिया मैं इसको। तो आरएम कमांड जो था, इससे आरएम लिखेंगे, फाइल का नाम लिखा मैं तो डिलीट होगा, राइट, आपने इतना समझ गया ना। अब जैसे मान लो, ठीक है, कि यहां पे ये डॉट जावा नाम से फाइल है, ये डॉट जावा फाइल है, ये डॉट जावा है, ये डॉट जावा है, ठीक है, ये है, और दूसरा फाइल क्या है, डॉट टीएक्सटी फाइल है, यहां पे डॉट टीएक्सटी है, ठीक है, और फिर डॉट क्लास फाइल है इधर इधर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, डॉट क्लास मतलब टीएक्सटी वन डॉट क्लास है, ठीक, डॉट के बाद जो लगा रहता है वो एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या चाहता हूं कि जितने भी डॉट क्लास नाम से फाइल है वो सब डिलीट हो जाए, तो क्या करूंगा जी, ऐसे किया और फिर स्टार मतलब नाम कुछ भी चलेगा, फिर डॉट मतलब, फिर डॉट होगा मतलब कि डॉट लगाओ फिर क्लास, ठीक, स्टार मतलब कुछ भी नाम हो फाइल का, ठीक है, और फिर डॉट क्लास इसका एक्सटेंशन हो, इस एक्सटेंशन का फाइल मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखना आप यहां पे एक तो डॉट क्लास फाइल है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा डिलीट हो जाएगा, राइट, सच में डिलीट हो गया जी, तो कर ही रहे थे तो नहीं होता, क्यों होने चाहिए था जी, तो ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल को डिलीट कर सकते हो सेम एक्सटेंशन थे, राइट। आगे देख लें क्या है, आगे हम फाइल बनाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फाइल बनाने के लिए दो ठो है, एक ठो टच कमांड है, ठीक है, एक टच कमांड क्या करता है जी, फाइल बनाता है, ये खाली फाइल बनाता है, एम्प्टी फाइल, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे आता हूं, लिखता हूं, यहां पे शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो जाएगा और कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, ठीक है। टच लिखा, स्पेस दबाया, फिर एस ई एम ए एन टी डॉट टी एक्स टी लिखा, एंटर मार दिया, तो ये देखिए फाइल बन के रेडी हो गया यहां पे ना। प्रोजेक्टर में आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दे रहा है, आ रहा क्लियर नहीं आ रहा जी, आ रहा है, चलिए अच्छी बात है जब आता है तो। टच कमांड, ठीक, तो फाइल बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं ओपन करता हूं, ठीक है, ये देखिए कुछ नहीं है, खाली है ना, तो खाली फाइल जो है हम टच कमांड के थ्रू बना लेते हैं, ठीक। फिर टच लिखूंगा, ठीक है, फिर इसको यहां से हटाऊंगा, इस नाम से एक फाइल बना लिया तो यहां पे इस नाम से बन गया फाइल, ठीक है। अब इसी को मेरे को डिलीट करना है, ठीक, तो क्या करूंगा जी, आर एम रिमूव स्पेस एस ई एम एन टी डॉट टी एक्स टी, फिर स्पेस दूंगा एस ई एम एन टी डॉट टी एक्स टी, दो फाइल नेम दिया, नहीं यार
ये दो ठो फाइल है, एक फाइल यहाँ है एक फाइल यहाँ है, ठीक है। जैसे मैं एंटर मारूंगा ये दोनों फाइल डिलीट होके तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है फाइल आप तैयार कर देंगे, तैयार कर रहा हूं फाइल आप डिलीट कर देंगे, ठीक। अब यही सेम कमांड अगर मैं टच के साथ लिखता हूं, ठीक है, दोनों फाइल एक साथ बन गया, ठीक। मल्टीपल फाइल ऐसे आप बना लोगे, ठीक है, और आरएम कमांड से एक बार किया एंटर तो रिमूव हो गया, ठीक। अब टच कमांड से हम मल्टीपल फाइल बनाएंगे, किस तरह का मल्टीपल फाइल बता रहा हूं, जैसे फाइल, ठीक है, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर, इस तरह से मेरे को 10 ठो फाइल बनाना है, ठीक। तो टच कमांड से बन जाएगा, कैसे बनेगा, ये देख लीजिए बन के रेडी हो जाएगा अनेकों फाइल। इधर ही मैं कहीं लिखा था सिंटेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में तो दे देते हैं जी, लेकिन मैं आपको दिखा देता, ये देखिए इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिख के मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। एक तो यहां पे ब्रैकेट आप लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं, शिफ्ट बटन कहां है मेरा, ऐसे, ठीक। मेरे को चाहिए एक नंबर से फाइल स्टार्ट करे, डबल डॉट 10 तक बना के रेडी कर दे, ठीक। एंटर मारा जी, सच में बन गया, ये सामने था तो दिखाई नहीं दिया होगा आपको, बन के सच में तैयार हो गया है मतलब, ये देखिए, ठीक। अब इसको डिलीट करना है, कैसे करेंगे जी, आरएम, आरएम फिर फाइल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, क्या इसको बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस में 0 से लेकर 10 तक, एंटर मारा डिलीट हो गया, ठीक है। फिर मैं टच में आता हूं, मैं चाहता हूं कि 1 से ना हो, 5 से 10 तक बने फाइल, ठीक, एंटर मारूंगा जी, 5 से लेकर के 10 तक फाइल तैयार हो गया बनके। फिर क्या करूंगा, इसी को आरएम कमांड दे दूंगा, ठीक है, आरएम लिखा और फाइल नेम ये लिखा, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये बनके रेडी हो जाएगा, एंटर मारा, अच्छा आरएम से डिलीट होता ना, फिर डिलीट होके रेडी हो गया, ठीक। तो आप फाइल बना लोगे इस तरह से, बन जाएगा, आसान काम है, बन जाएगा ना, ठीक है जी। अगला कमांड क्या है हमारा, खोलना। तो ये आपने बनाना सीख लिया, ये दोनों कमांड आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया आपको, कैट कमांड अभी मैं और बताऊंगा, ठीक है। तो डिलीट आप करना जान गए ना, आरएम से डिलीट होगा फाइल। अब कैट कमांड क्या करता है जी, ये कैट कमांड जो है ये कई काम करता है, ठीक है। कैट कमांड से फाइल बनता है, मैं फाइल बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है। आरएम की जगह पे सीएटी कैट लिखा और फाइल नेम ऐसा मैं लिख कर देता हूं एंटर, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, ये कुछ कुछ एरर दे दिया। तो क्या करेंगे यहां पे, कैट कमांड से फाइल तो बनता है पर उसमें कुछ हम लिखेंगे भी ना, तो क्या लिखेंगे जी, सीएम डॉट टीएक्सटी किया, ठीक है, एंटर कर दिया। अब बोल रहा है नो सर डायरेक्टरी पता नहीं क्या क्या, ठीक है। यहां पे करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये करके एंटर कर दूंगा मैं, ठीक है, और फिर यहां पे क्या करूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, जैसे नेम समथिंग, कुछ भी एड्रेस कर दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, एंटर मार दूंगा मैं, ठीक है, फिर कुछ भी लिख दूंगा, तो क्या होगा, आप यहां पे देखना बन ओपन होके, ये देख लीजिए आ गया है ना। तो इसी तरह से आप बना लोगे, ठीक है। अब जैसे एंटर मार दिया, ठीक है, कंट्रोल सी कर दिया, टर्मिनेट हो गया जी, ठीक। अब इस फाइल को मेरे को पढ़ना है, ठीक, तो इसके अंदर ये देख लीजिए जो जो कंटेंट था यहां पे है, ठीक है। अब इसी फाइल को मेरे को कमांड के थ्रू पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा जी, कैट लिखूंगा स्पेस सीएम डॉट टीएक्सटी, एंटर किया, तो देखिए आ गया यहां पे ना। तो इस तरह से आप कैट कमांड से फाइल बना सकते हैं जी, फाइल पढ़ भी सकते हैं आप, ठीक। आरएम कमांड दूंगा, ठीक है, सीएम डॉट टीएक्सटी, एंटर मारा, डिलीट हो गया, वो हो गया ना। तो इसी तरह से आप कैट कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे, क्रिएट न्यू फाइल विथ कंटेंट, मतलब नया फाइल आप बनाएंगे कंटेंट के साथ, और इससे फाइल रीड भी किया जाएगा कैट कमांड से, ठीक है।
अब हो सकता है आपसे पूछा जाए एग्जाम वगैरह में, तो आप बता देना जी टच से क्या होता है, कैट से क्या होता है। ये दोनों आपको समझ में आ गया। आरएम कमांड से डिलीट होता है, आरएम फिर फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद नंबर यहां देंगे और नंबर यहां देंगे, तो इससे क्या होगा, जितना नंबर होगा उतना फाइल जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, मल्टीपल नाम दे देंगे, आरएम लिखेंगे फिर आप मल्टीपल नेम देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आरएम लिखा, फिर नेम वन, नेम टू, ठीक है, नेम थ्री देंगे, तो इससे क्या होगा, मल्टीपल फाइल डिलीट होगा, ठीक है। मल्टीपल स्पेलिंग सही है, डिलीट, अब मेरा स्पेलिंग कितना बढ़िया है आप जानते हैं, ठीक है, तो मान लेना कि ये मैं सही लिखा हूं, ठीक है। तो यही है जी, ठीक है, हो सकता है गलत होगा ये स्पेलिंग, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, वन टू थ्री फोर फाइव जितना आप चाहो दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इतना कमांड हमको समझ में आ गया ना, इसमें तो दिक्कत होगा नहीं जी। उसके बाद है MKDIR, MKDIR आप जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते, CLEAR, क्लियर कमांड से स्क्रीन क्लियर होगा, MKDIR स्पेस दूंगा, इससे क्या बनता है, फोल्डर, ठीक है, ACM दिया, एंटर मारा, हमारा बन के फोल्डर तैयार हो जाएगा। दिख नहीं रहा जी फोल्डर, यहां पे बना है, ठीक है, स्पेस मारूंगा एंटर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। दूसरा फोल्डर बना देता हूं कुछ भी नाम से, एंटर मारा, तो देखिए यहां पे बन के रेडी हो गया जी, ठीक है। अब इसी को हटाना है तो क्या कर देंगे हम, RMDIR लेके एंटर मारूंगा तो ये फोल्डर डिलीट हो गया, ठीक है। फिर SEM यहां पे लिख दूंगा तो क्या होगा, ये फोल्डर जो है डिलीट हो जाएगा, एंटर मारा तो डिलीट हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मल्टीपल फोल्डर जो है बन जाए, ठीक है, MKDIR, ठीक है, किस किस नाम से, SEM हो जाए, दूसरा हो जाए राम, तीसरा हो जाए मोहन, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या, स्पेस स्पेस दे दिया, ए लीजिए, ठीक है, एंटर मारूंगा, बन गया फोल्डर इतना, ठीक। तो MKDIR लिखिए, उसके बाद स्पेस दे करके जो जो आपको फोल्डर बनाना है आप बना दीजिए, और इतना फोल्डर जो है बन के रेडी हो जाएगा आपका, ठीक। अब किसी फोल्डर को नहीं, नहीं गुरु जी तो नहीं है, वो तो कोर्ट में होंगे ना, मार्कशीट चाहिए था, किस चीज का, DCA, सेशन क्या है आपका, पिछले वर्ष नाम राकेश, तो आप तुरंत लेंगे या थोड़ी देर में भी मिलेगा तो चलेगा आपको, कितना देर से मेरे को खोजना पड़ेगा, कम से कम एक घंटे दे देते अगर आप समय तो, क्लास खत्म हो जाएगा, अरे तो खत्म हो जाएगा आपकी क्लास, एक क्लास खत्म हो जाएगा पर मुझे खोजना पड़ेगा, कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ये देखिए अप एरो मैं दबाया, ठीक है, अब ऊपर चला गया, आ गया मेरा सारा जो पिछला था, अब इसमें मैं क्या करूंगा, RMDIR, ठीक है, RMDIR, ठीक है, एंटर मारूंगा, ये डिलीट हो गया टोटल फाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल फाइल बोल रहा हूँ सॉरी फोल्डर डिलीट हो गया टोटल, ठीक है। तो आप इस तरह से एक से ज्यादा फोल्डर बना लेंगे और एक से ज्यादा फोल्डर डिलीट कर लेंगे, ठीक। मान लीजिए आपको फोल्डर वन, फोल्डर टू, फोल्डर थ्री बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे पहले किए थे करके देख लेते हैं, MKDIR स्पेस फोल्डर, यहां पे मैं ये कर लेता हूं, ठीक है, वन लिखूंगा, दो डॉट दूंगा, फिर दे देता हूं 20, एंटर मारा, इतने फोल्डर बन गए जी, ये देखिए बन गया। अब यही अप एरो दबाऊंगा, पुराना आ जाएगा रिकॉर्ड हमारा, और फिर क्या करूंगा मैं, RMDIR, जैसे ही RMDIR लिख के करूंगा मैं एंटर, सारा फोल्डर डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से फोल्डर बनेगा, इस तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल काम हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहां लिखा है RMDIR डिलीट फोल्डर बट एम्प्टी, फोल्डर खाली होना चाहिए जी तब डिलीट होगा, इसका यही मतलब है, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है RMDIR, वही है जो मैंने फोल्डर मल्टीपल फोल्डर डिलीट करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ls कमांड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे नंबर एक डाल देंगे, यहाँ पे 10 डालेंगे और एंटर मारेंगे तो कई सारा जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ls कमांड से क्या होता है, ls कमांड से लिस्ट दिखा देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ls लिख के मारा एंटर, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, मेरे डेस्कटॉप पे जो जो फाइल है, ठीक है, calendar.txt है तो ये दिखा रहा है, डाटा टाइप डॉट जावा है तो ये दिखा रहा है, बाकी student.java है तो ये दिखा रहा है, ठीक है। तो जो जो कंटेंट है वही पूरा दिखा रहा है, ठीक है। वही चीजें क्या करेंगे, एल लगा देंगे तो क्या करेगा जी, डेट टाइम और परमिशन के साथ दिखाएगा कि मैं जो यूजर हूं मेरे को फाइल को पढ़ने का परमिशन है या नहीं है, ठीक है। तो हाइफन एल, ठीक है, एल लगा के एंटर मारा तो क्या हुआ, एक परमिशन के साथ जो है बताएगा, एक परमिशन का कोड है, मैं परमिशन का कोड बता दूंगा आपको कभी, ठीक है। और फिर ये बता रहा है यूजर कि कौन यूजर है, फाइल का साइज क्या है, ये बना कब था और पता नहीं क्या क्या, ये फाइल का नेम है एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो ये टोटल फाइल का जो है बता दे रहा है लिस्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद और देखते हैं क्या लिखा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद है हाइफन ए, ठीक, तो इसका क्या मतलब है जी, हाइफन में ए लगाता हूं अगर तो क्या होगा, एंटर मारा तो ये दिखा रहा है डॉट डॉट फिर डॉट हेलो डॉट सी डॉट। इसका मतलब ये है ना कि जो फाइल कुछ हाइड है वो हिडन फोल्डर को भी दिखा देगा, ठीक है। यहां मैं राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, न्यू फोल्डर बना दिया डॉट, ठीक है, एंटर मारा, बना तो लेकिन चला गया कहीं, तो क्या हुआ, हुआ ये कि डॉट लगाने पे बाय डिफॉल्ट फोल्डर हिडन हो जाता है। ये देख लीजिए डॉट लगा के ये यहां पे आ रहा है ना, तो ये हाइड हुआ है ये फोल्डर, ठीक है। चलिए जी, समझ में आ गया होगा ये। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हिडन फोल्डर और फाइल तो दिख रहा है लेकिन इसका परमिशन नहीं दिख रहा है, तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे, एल भी लगा दीजिए, ठीक है, ये देखिए आ गया, या फिर एल को आप पहले भी लगा दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हिडन फोल्डर विथ परमिशन जो है दिखाई देने लगेगा ये पूरा, ठीक है। आगे क्या है जी, अच्छा ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। ls hyphen r, ठीक है, ये देख लीजिए। अब क्या बोल दिया, पहले t आया फिर l आया फिर i c आ गया फिर पता नहीं क्या क्या आ गया, ठीक है। तो ये सॉर्ट कर रहा है, ठीक है, एंटर मारा तो ये इस ऑर्डर में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। लिस्ट किया तो ये आ गया, सी एल ई ए आर करेंगे तो सी एल ई ए आर लिख के एंटर मारा तो ये आ गया, आया क्या चला गया जो भी था, ठीक है। उसके बाद परमिशन, अब क्या बचा, सॉर्टेड रिवर्स में सॉर्ट करेगा, सीडी माने चेंज फोल्डर, ठीक है। सीडी से क्या होता है जी, फोल्डर चेंज किया जाता है, जैसे एम के डी आई आर, ठीक है, एम लिखा यहाँ पे, ठीक है, ए सी एम नाम का फोल्डर बनाया। पीछे क्या समस्या हो गया जी, ये फोल्डर बन गया ना, इस फोल्डर पे मेरे को जाना है, ठीक है, तो कैसे जाऊंगा, सीडी कमांड से, डॉस में भी तो आपने पढ़िए रखा था, ये देखिए आ गया इस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे एल एस लिख के एंटर मारूंगा तो कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, ये देख लीजिए जी, ओपन किया, इसके अंदर कुछ है नहीं, खाली है, ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया सीडी कमांड से जाया जाता है फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको रिनेम कर देता हूँ, ठीक है, और स्पेस देकर के कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, रिनेम हो गया, ठीक है, एल एस करके मारूंगा एंटर तो कुछ सीडी स्पेस डबल डॉट, सीडी स्पेस डबल डॉट से एक फोल्डर पीछे जाया जाता है, ठीक।
अब फिर से मैं उस फोल्डर में जाना चाह रहा हूं, सीडी फिर एस एम स्पेस वाई जी टी, एंटर मारूंगा, बोल रहा है टू मेनी आर्गुमेंट, पता नहीं क्या बोल दिया ये, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर स्पेस आपने बीच में दिया है तो क्या करना पड़ेगा, शायद ऐसे भी जाते हैं, तो देखिए आ गया स्पेस बीच में आप दिए हैं तो एक स्लैश का साइन लगा दीजिए, ठीक है। फिर से मैं सीडी डबल डॉट करके पीछे जाता हूं, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका क्या है कि अगर फोल्डर के नेम में स्पेस है तो आप ये डुअल कोट लगा दीजिए और मार दीजिए एंटर, तो भी जो है चले जाएंगे आप, ठीक है। तो फिर भी आप फोल्डर का नाम बदल सकते हैं ये, ठीक। अब मेरे को सीडी डबल डॉट करके मैं पीछे आता हूं, ठीक है। कमांड नॉट फाउंड लगा रहा है क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया, ठीक है। क्लियर CLEAR, हर बार मैं गलत क्यों कर रहा हूं, CLEAR, ठीक है आ गया। मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूं, RMDIR लिखूंगा, स्पेस दूंगा, SM लिखूंगा, ठीक है। फिर ये दे दूंगा, ठीक है। फिर YGU लिख के एंटर मारूंगा, डिलीट हो गया। डुअल कोट में भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे जी, सीडी फिर स्लैश कर देंगे तो रूट फोल्डर में हम चले जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब है इस रूट फोल्डर का, जैसे मान लीजिए मैं इस फाइल को खोलता हूँ, ठीक है, और इसमें चला जाता हूँ, ठीक है, इसको खोल लेता हूँ मैं, ठीक है, इसमें चला जाता हूँ, इसमें चला जाता हूँ, राइट क्लिक करके टर्मिनल खोल लेता हूँ, अब इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। कहा हूं मैं मीडिया, ठीक है, इतना सारा के आखिरी में इधर, ठीक है, इतने फोल्डर के बाद में हूं। तो अब मेरे को आना है रूट में आखिरी में, तो क्या करूंगा मैं, सी डी स्पेस डबल डॉट मारता रहूंगा, ऐसे एक फोल्डर आऊंगा नहीं सी, ऐसे नहीं आऊंगा, मार दूंगा स्लैश, आ जाऊंगा रूट पे सीधा, ठीक है। तो इस तरह से जी आप भी रूट में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जिट मारा तो बंद हो गया, ठीक है। तो ये रूट फोल्डर में आप आ जाएंगे स्लैश अगर दबाएंगे तो, मतलब स्लैश लिखेंगे तो, ये क्या है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कह लो आप PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं प्रेजेंट में कहां काम कर रहा हूं, ठीक है। तो डेस्कटॉप कहां पे है मेरे को तो पता नहीं चल रहा ना ऐसे। अब जैसे मैं PWD मारा, यहां पे आ गया होम है, फिर उसके बाद सेवंत मिश्रा है, फिर उसके बाद डेस्कटॉप है, और मैं यहां पे मैं हूं, ठीक। अब मैं बैक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा जी, सीडी डबल डॉट करके कर दिया बैक तो यहां पे आ गया, ठीक है। अभी मैं कहां हूं मेरे को तो पता नहीं चल रहा है, एंटर मारा तो पता चल गया जी मैं यहां पे हूं इस यूजर के अंदर। फिर सीडी डबल डॉट करके मारूंगा एंटर तो बैक आ जाऊंगा, अब मैं होम पे आ गया हूं, ठीक है। एंटर किया तो ये फोल्डर नाम है, अब मैं सीडी करके इसमें जाऊंगा तो जा सकता हूं, ठीक है। नॉट फाउंड, मैंने गलत कर दिया स्पेलिंग, ठीक है, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यही है जी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब। एग्जिट, एग्जिट का माने क्या होता है आप जानते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे EXIT लिख के एंटर मारूंगा बंद हो जाएगा मेरा टर्मिनल। CLEAR क्लियर से क्या होगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा जी। टच कमांड क्या करता है, मल्टीपल फाइल बनाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला ये कमांड है MV, MV से क्या होता है, रिनेम होगा और मूव होगा फोल्डर, ठीक है। चलिए यहाँ पे न्यू फोल्डर आया, मैंने SEM लिख के एंटर मारा, ठीक है, और राइट लिख करके टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है। अभी फोल्डर का क्या नाम है, SEM, ठीक है। मैं क्या करूंगा जी, MV कमांड लिखूंगा, स्पेस दूंगा, और SEM ये पुराना नाम है, नया नाम मैं क्या चाहता हूं, ABC, ठीक। एंटर मारा, ये देखिए नाम बदल गया ना, स्पेस करूंगा, न्यू फोल्डर बनाऊंगा, ट्रिपल ए लिख के एंटर मार दिया, फोल्डर बन गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, MV स्पेस, ठीक है। फिर क्या करूंगा, AAA स्पेस, हाँ फिर क्या करूंगा जी,
नाम मेरे को दूसरा बदलना है, क्या नाम रख दूं इसका, जेट 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 एंटर, ये देखिए। तो यही सबका मतलब है, आप जानते हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है एमजी। तो इसी तरह से जो है आप क्या करेंगे जी, मूव कर लेंगे, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं एमवी, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, एक कैलेंडर है ना, मैं चाहता हूं कि ये एबीसी फोल्डर के अंदर चला जाए, तो क्या करूंगा, एमवी लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, सी ए एल टैब मार देता हूं काई को टाइप करने का, फिर क्या करूंगा, ए बी सी स्लैश, ठीक है, यहां पे डॉट स्लैश दे देता हूं ताकि करंट वाला ही पता चले, फिर एस ई एम डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एक्स टी। अब मैंने क्या कमांड लिखा है, ये देखिए, इधर आ जाना भाई, हैंग कर नहीं है, नहीं हुआ है, ठीक है। अब एंटर पे कर दूंगा तो क्या होगा जी, सच में मूव हो गया क्या, बोलो, कमांड दिया है तो मूव होगा ही ना, ये देखिए इस नाम से यहाँ पे आके मूव हो गया। मैं नाम सेम दिया होता तो जो है सेम नाम से मूव हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा लाना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लो, इसको मैं क्या करूंगा जी, डिलीट कर दूंगा, ठीक है, एमवी, फिर यहां पे आया स्पेस दिया, फिर एस ई एम डॉट टी एक्स टी लिखा, तो क्या मतलब है इसका कि जहां पे मेरा टर्मिनल ओपन है वही एबीसी फोल्डर है, वहां पे एस ई एम नाम से एक टेक्स्ट फाइल है, उसको क्या करो, मैं जहां पे हूं वहीं पे ले लाओ, ठीक है। अब यहां पे देखिए आ गया जी, ठीक है, देखिए आ गया ना, एक कैलेंडर वाला आ गया। तो इसी तरह से आप जो है एमवी कमांड से फाइल को मूव कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। फाइल को रीनेम कैसे करेंगे, फोल्डर को तुम्हें दिखा दिया, एस ई एम जो है डॉट टी एफ टी जो है वो होना चाहिए कैलेंडर नाम से, डॉट टी एफ टी, गलत है स्पेलिंग, सही है, छोड़ो कुछ भी हो, ये देखिए बदल गया ना इसका नाम, तो आप इस तरह से बदल लोगे, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूं, सी एल ई ए आर, तो इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों फोल्डर को मुझे डिलीट करना है तो क्या करूंगा, आर एम डी आई आर स्पेस। अब क्या लिखूं जरा आप लोग बताइए, क्या लिखूं आपकी डिलीट हो जाए, हाँ नेम ए बी सी लिखा, अब दोनों फोल्डर डिलीट करना चाह रहा हूं, स्पेस जेट 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 इंटर मारा, एंटर मारा, डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइनक्स का कमांड जो है चला के इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और भी कुछ है क्या, कितना और है, 29। अगला फिर यहां से आता है कैट कमांड, ठीक है, ये कैट कमांड तो मैं बताया था ना, अच्छा ये तरीका थोड़ा दूसरा है, इसका क्या तरीका है, कैट कमांड पहले लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन दिया है, फिर फाइल नेम दिया है, फिर दो ट्रोलेजन लगा के स्टॉप टेक्स्ट लिखा है, मतलब इस टेक्स्ट को आप जब से टाइप कर देंगे तो स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं क्या होता है इससे, ठीक है। सी ए टी कैट लिखा मैंने, फिर एस ई एम डॉट टी एफ टी लिख दिया, अच्छा ग्रेटर देन का साइन तो देना ही भूल गया, ठीक है, ये आया स्पेस दबाया, फिर दो लेस देन, फिर मैं क्या टाइप करूं तो स्टॉप हो जाए, स्टॉप, ठीक, स्टॉप जैसे मैं टाइप करके मारूं एंटर, स्टॉप हो जाए, एंटर मारा, ये जो है चालू हो गया एडिटर। अब कुछ भी इसके अंदर आप लिख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, स्टॉप लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा, ये फाइल बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक। इसको मैं खोल के दिखा देता हूं आपको, या फिर यहीं पे कैट कमांड लिखूंगा, ठीक है, कैट लिखूंगा और लिख दूंगा एस ई एम स्पेस, टैब मारा, एंटर मारा, ये देखिए आ गया है। इसको भी मैं खोल के दिखा देता हूं आपको, राइट क्लिक करके ओपन कर दिया तो देखिए आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, आसान काम है, हो जाएगा सबसे। फाइल को डिलीट करना है मेरे को, तो फाइल डिलीट करने का क्या है कमांड, जरा बताइए आप लोग, फाइल डिलीट करने का कमांड क्या है, क्या, आर एम,
स्पेस एंटर कर दिया, ये साफ हो गया जी, ठीक है। चलिए अगला कमांड क्या है जी, हेड है और टेल है। हेड कमांड क्या करता है कि टेक्स्ट फाइल जो है उसके ऊपर का कुछ लाइन को प्रिंट करके दिखाता है, ठीक। तो मैं और टेल कमांड क्या करता है, नीचे का लाइन लास्ट लाइन रीड करता है, इसमें मैं वही लिखा हूं। हो सकता है गलती हो कुछ स्पेलिंग या कुछ ग्रामेटिकली, तो मेरे को उतना अंग्रेजी नहीं समझता है, ठीक है। तो इसी फाइल को मैं रीड करता हूं, ठीक, एच ई ए डी स्पेस। अब मेरे को कितना लाइन रीड करना है, मेरे को तीन लाइन रीड करना है, तो तीन लिखा और क्या करूंगा, एल आई एन यू टैब मार दिया, पूरा लिखा गया, एंटर कर दिया, ठीक है। कमांड कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी, पता नहीं है क्या क्या बोल दिया, लंबा चौड़ा, ठीक है। तो यही है जी, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह से क्यों रीड किया है, इसको गिनती समझता नहीं क्या, कहां तक गिना है जी, देखते हैं। फाइल तक गिन लिया, ठीक है, वन लिखता हूं, एंटर मारता हूं, फिर भी यहां तक गिन लिया। ये बोल रहा है हेड कैन नॉट ओपन वन रीडिंग नो सच फाइल आर डायरेक्टरी, इसका कहना का मतलब है कि मिल नहीं रहा मुझे, ठीक है। बल्कि तो इसमें है, इसका हम लोग बाद में कर लेंगे फैसला है कि नहीं है, ठीक है। एक टू मैं दबाता हूं, एच यू ए डी कहां चला गया, फिर से ओपन, इतना ठोक क्या रहे हैं लोग। हेड मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है जी, और फिर कंट्रोल इंसर्ट से पेस्ट कर लूंगा, हाइफन टू देता हूं मैं, ठीक, और फिर अब क्या लिखूंगा, एल आई टैब मार देता हूं, ठीक है। एंटर मारा तो अब जो है दो लाइन लिख दिया, ठीक है। मैं भूल रहा था कि यहाँ पे वन के जगह पे यहाँ पे हाइफन देना पड़ता है, ठीक है, अभी मेरे को अचानक से याद आया, ठीक है। यहाँ पे माइनस टू लिखा हूं, मैं थ्री अगर लिखूंगा तो क्या होगा, तीन लाइन रीड करके दिखा देगा, तीन लाइन ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सिक्स लिख दूंगा तो छह लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। नीचे ऊपर से छह लाइन प्रिंट किया है, लेकिन वही हेड के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, टेल लिख दूंगा, तो टेल लिखूंगा तो क्या करेगा, नीचे से छह लाइन प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे दो लिख एंटर मारूंगा, क्या बोल रहा है, नॉट मैच, स्पेलिंग में गलत कर दिया क्या, टी ए आई एल, मैं तो सही लिखा हूं जी स्पेलिंग, टी ए आई एल हाइफन टू, ऐसा क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टेन, ये लास्ट का तीन लाइन रीड करेगा, अच्छा नहीं वो तो सही था, ये वाला रीड करके दिखा रहा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। कमांड तो सही ही लिखा था मैं, ठीक है। टू के जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, थ्री लिख के एंटर मारता हूं, तो देखिए तीन लाइन जो है प्रिंट किया, तीन लाइन कहाँ है ये, अच्छा एक लाइन स्पेस ले लिया, तीन के जगह पे यहाँ पे टेन कर देता हूँ भी, तो टेन लाइन जो है प्रिंट करके दिखा दिया हमको, ठीक है। तो टेल कमांड नीचे से रीड करता है आपको जितना लाइन चाहिए, और हेड कमांड क्या करता है, ऊपर से प्रिंट करता है जितना लाइन आपको देख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया कमांड, ठीक है। अगला कमांड है ग्रिप कमांड, ग्रिप कह लो या ग्रिप कह लो या जॉन मन करे वो कह लो, ठीक है। ये क्या करता है जी, इसमें कई सारे ऑप्शन है, स्विचेस है, उसके बाद फाइल नेम है, ठीक। ये कैसे इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले क्या मैं लिखूंगा, जी आर ई पी ग्रिप स्पेस, यहाँ पे वी लिखता हूं, हाइफन वी लिखता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां पे लिखा फाइल नेम,
ठीक है। तो फाइल नेम में मैं क्या लिख दूंगा, स्पेस एल आई एल टैब मारा, ठीक है, स्पेस, ये देखिए टैब मारो तो पूरा लिखा गया, ठीक है। अब यहां पे V का क्या मतलब है जी, सो ऑल द लाइन ऑफ टू डू मैथ सर्चिंग स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहां पे मैं आता हूं, हाइफन V लिख चुका था मैं, ठीक है, यहां पे आके लिख दूंगा डबल कोट में स्क्रीन, इंटर मारा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए, इतना सारा पता नहीं क्या क्या खोल के दिखा दिया जी, ठीक है। मैं क्लियर कर लेता हूं पहले स्क्रीन, अब क्लियर नजर आएगा, ठीक। तो ये जो है दिखा रहा है टोटल, ठीक है। मैं कुछ और सर्च करता हूं, ये तो टोटल ही दिखा रहे हैं, सो ऑफ द ऑनलाइन टू सर्चिंग इज क्लियर, ठीक है, ये दिखा रहा है टोटल नहीं, लेकिन ये मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा ये नहीं दिखा रहा है, शायद मैं कुछ हो सकता है कि गलत कर रहा हूं इसमें। तो पहले ग्रिप है, फिर स्विचेस है, फिर पैटर्न माने कि जो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, फिर यहां पे क्या उसको बोलते हैं, फाइल नेम रहेगा। लेकिन यहां पे और लिखा है कि फाइल नेम की जगह पे अगर स्टार मैं कर दूंगा, ठीक है, तो वहां पे जो जो चीजें हैं वो सारे चीजें जो है आपको दिखा दिया जाएगा, मतलब जितने भी फाइल है वो सारे फाइल्स में अगर है तो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। हाइफन सी यहां पे इसका क्या मतलब है, डिस्प्ले ओनली द काउंट ऑफ मैचिंग लाइंस, ठीक है। मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, इससे क्या होता है देखते हैं, एंटर मारा, पहले में है क्या, यहां पे मैं क्या लिख दूं, स्क्रीन लिख देता हूं, एंटर, तो फिर बता रहा है वन, ठीक है। ये ऑप्शन को मैं यहां से लिखता हूं, ठीक है, इंसर्ट, इंटर मारा, टू बोल रहा है, ये दूसरा वाला में है ना, तो दूसरे नंबर वाले में दिखा दिया जी, ठीक है। और क्या है इसमें जी, एन माने क्या है, मैचिंग लाइन नंबर, एन करके एंटर करूं क्या, सी की जगह पे मैं एन कर देता हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पे, 36 और 38, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि इतने इतने लाइन में ये ऑप्शन जो है मैच हुआ है, यहाँ पे देख लो जी, ठीक है। तो ये मैच जो होता है उसी का लाइन नंबर वगैरह बता देता है, ठीक है, सी एल ई ए आर लिख के एंटर करूंगा, तो क्लियर स्क्रीन कहाँ पे, 25 नंबर लाइन पे, तो दिखा दिया जी 25 नंबर लाइन का, यही सब इसका मतलब है, ठीक है। माइनस आई कर देंगे तो क्या होगा, दोनों मैच करेगा, ठीक है, आई किया हुआ भी मैं मैच करके दिखा रहा है स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन यहां पे, ठीक है। ई हाइफन ए का क्या मतलब है जी, हाइफन ए लाइन नंबर प्रिंट नंबर आफ्टर मैच कैश, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये मैं करके दिखाता हूं, डिलीट किया, लिखा यहां पे कैपिटल ए, स्पेस दबाया और दो लिख के मैं कर दिया इंटर, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, आफ्टर माने पहले होता है ना, तो ये जो लाइन है ना ये मैच करेगा, उसके ऊपर और नीचे का कुछ लाइंस दिखा देगा, कितना लाइन चाहिए वो मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। थ्री लिख के एंटर मारता हूं, ये देख लीजिए जी आ गया, ठीक है। और वही ए के जगह पे मैं बी कर दूंगा तो क्या होगा, बिफोर मैचिंग स्ट्रिंग, माने बिफोर माने क्या, बाद में होता है, पहले होता है। अच्छा मैं यहां पे गलत लिखूं क्या ऐसे, पता नहीं जी, मेरा अंग्रेजी थोड़ा घटिया, अंग्रेजी कमजोर है ना,
थ्री लिख के एंटर मार दिया तो ये पहले वाला दिखा रहा है बाद वाला दिखा रहा है, वो लोग पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ये घटिया अंग्रेजी के कारण, ठीक है। फिर यहां पे मैं क्या करता हूँ, सी कर देता हूँ जी मैं। अच्छा मैं दोनों में तो ए ही कॉल किया था, एक जगह पे बी करना चाहिए था ना मेरे को, बी करके एंटर मार दिया तो ये देखिए जी ये नीचे का दिखा रहा है या ऊपर का दिखा रहा है, ऊपर वाला दिखा रहा है, नीचे वाला जिधरों का दिखाइए रहा होगा किधरों का, ठीक है। ये जहां पे मैच हुआ क्लियर, ठीक है, वहीं से ये दिखाना ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए जी उसके बाद क्या है, सी है फिर ई है, ठीक है। सी का मतलब क्या है, प्रिंट लाइन नंबर आफ्टर बिफोर, ठीक है। मैं यहां पे आऊंगा, ठीक है, ये क्लियर है ना, जहां जहां पे क्लियर मैच होगा, ठीक है, उसके ऊपर का और नीचे का दोनों का कुछ लाइन दिखाएगा, कितना जितना मैं यहां पे दूंगा, थ्री के जगह पे वन दे दूंगा तो वन वन दोनों दिखा देगा, एक तुम्हें स्पेस दिखा दिया व्हाइट स्पेसेस, ठीक है, दो दे दूंगा तो दो लाइन दिखा देगा जी, ये देखिए दो लाइन ऊपर दिखा दिया और दो लाइन नीचे दिखा दिया, तो एक तुम्हें तो स्पेस पड़ा है तो खाली लाइन दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सी के बाद क्या है, ई, ई का मतलब क्या है जी, ई ऑप्शन से क्या होता है, यहां पे भी आप कुछ स्ट्रिंग लिखिए, यहां पे भी कुछ स्ट्रिंग लिखिए और उसको आप मैच कर लीजिए, मतलब क्या मल्टीपल कैरेक्टर आप मैच कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहां पे आके लिख देता हूं मैं ई, इसको हटा देता हूं, ठीक है, एक कैरेक्टर है क्लियर, दूसरा मैं ले लेता हूं स्क्रीन, एंटर मारा तो ये देख लीजिए दिखा रहा है ना क्लियर स्क्रीन, तो यही दिखा रहा है जो है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। EXEIT करके एंटर मारूंगा, एग्जिट हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को अगर हो कुछ डाउट तो आप पूछ लो, अन्यथा मैं बंद कर दे रहा हूं। कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है बोलिए, इतना पढ़ लें फिर देखा जाएगा आगे। चलिए ठीक है जी, बाकी देख लेंगे हम लोग बाद में, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, ठीक है जी, स्टॉप कर दो, चलिए।